ये है रिया, बागवानी की शौकीन। अपने पौधों का खूब ख्याल रखती है। आज एक पौधा बीमार लगा, पत्ते पर कुछ सफेद सफेद दिखा। ये क्या है वो समझ नहीं पाई। काम आया स्मार्टफोन, उसका कैमरा और गूगल का मजेदार ऐप गूगल लेंस। रिया ने गूगल लेंस ऐप खोला, पत्ते पर साधा, फोकस किया और फोटो ली। कुछ ही पलों में जान गई पौधे की तकलीफ। फोन पर उसके सामने आ गया था पूरा ब्यौरा। कमाल है गूगल लेंस, एक ऐसा ऐप जो मानो कर दे दुनिया मुट्ठी में। ये ऐप तस्वीरों का पलों में विश्लेषण करता है और डिजिटल वर्ल्ड से जानकारी खोज लेता है। इसमें बहुत से काम की फीचर्स हैं, तो आज समझते हैं गूगल लेंस और उसके प्रयोग को। सबसे पहले अपने इंटरनेट वाले स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर खोलें। वहां सर्च बार में गूगल लेंस टाइप करें। यह है गूगल लेंस का आइकन, इसे देखकर ऐप को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन पूरे होने पर ऐप को ओपन कर लें। अब देखते हैं ऐप को। आपको दिखेगा सर्च विद योर कैमरा, मतलब सेल फोन के कैमरे से सीधे तस्वीर लेकर गूगल लेंस का प्रयोग। आप किसी भी चीज को लेंस के फ्रेम के अंदर रखकर फोकस करें और दबाएं सर्च बटन। तुरंत बहुत से नतीजे दिखने लगेंगे। वैसे आप इस तरह गैलरी में से भी फोटो को गूगल लेंस पर लेकर खोज सकते हैं। देखते हैं गूगल लेंस ऐप में और क्या क्या है। सर्च के बाईं ओर आपको दिखेगा ट्रांसलेट, मतलब अनुवाद, फिर टेक्स्ट मतलब लेखन। सर्च के दाईं तरफ दिखेगा होमवर्क, मतलब गृह कार्य, फिर शॉपिंग मतलब खरीदारी वगैरह वगैरह। शुरू करते हैं ट्रांसलेट मतलब अनुवाद के साथ। आपको जरूरत है लिखित शब्दों की। मान ले आपको इस किताब के नाम का अनुवाद चाहिए, तो ये खोला ऐप, लेंस पर फोटो किताब के नाम की, अब दबाया ट्रांसलेट का बटन। ऊपर दिखा इंग्लिश टू हिंदी। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार भाषाएं बदल सकते हैं, जैसे कन्नड़ या मराठी या बांग्ला। है ना बड़े कमाल की चीज। अब देखते हैं अगला फंक्शन, टेक्स्ट। फिर एक किताब, लेंस के बीच लिया शब्दों को और बटन दबाया टेक्स्ट। नीचे दिखा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल दबाया तो आ गया कॉपी टेक्स्ट। और इस तरह आप जहां चाहें वहां इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। और तो और लिसन का बटन दबाकर आप इसे सुन भी सकते हैं। How do fish swim? 26. Most fish swim by waving their tails from side to side. Some fish, such as prey. अब वो बटन जो होमवर्क मतलब गृह काम में आपके काम आ सकता है, गणित का सवाल। जैसे ये गूगल लेंस पर प्रश्न की तस्वीर खींची, दबाया होमवर्क, प्रश्न को ऐप पर सही स्थिति में लेकर आप हल की पुष्टि कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी विषय से जुड़े प्रश्न की तस्वीर गूगल लेंस पर लेकर आप होमवर्क में सहायता ले सकते हैं।
कुछ स्मार्टफोन्स में गूगल लेंस पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। इसे सर्च बार में से सीधे काम में लिया जा सकता है। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि किसी मशहूर स्मारक या इमारत की फोटो अगर गूगल लेंस पर डालेंगे और सर्च करेंगे तो क्या क्या जानकारी मिलेगी? ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही पता करें। कुछ नया सीखें, कुछ नया देखें, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ें।